अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं सर्दियों के चारे, जिनको जो है वो काश्त करके हम पूरी सर्दियां में जो हैं वो जानवरों को चारे की कमी से बचा सकते हैं, और फिर ऐसे चारा जात जो कि बहुत ज़्यादा गज़ाई अहमियत के हामिल हैं, जानवरों की सेहत और दूध में इजाफ़ा करते हैं। तो चंद एक जो चारा जात है उनके बीज मेरे सामने मौजूद है। ये है जी सबसे पहले जो चारों का बादशाह, जिसको कहते हैं बरसीम, और बरसीम में ये हाड़ू बरसीम है। हाड़ू बरसीम का मतलब है कि जो काली बरसीम के तौर पे जानी जाती है और लंबे अरसे तक जून तक चलती है। और उसके साथ ये जंबो जवा मौजूद है, और इसको जंबो जवा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कद बहुत ज़्यादा है, इसके चारे की पैदावार बहुत ज़्यादा आती है। ये आपको मैं चारा दिखा रहा हूँ, ये एक जंबो जवा है और साथ में आम जवी जो है वो लगी हुई है, और ये तकरीबन 50% उससे कद ज़्यादा है। तो 50% जब कद ज़्यादा होगा तो फिर उसका जो है वो चारे की पैदावार भी ज़्यादा होगी, और इसका तना काफ़ी मजबूत है, गिरने से भी महफूज रहता है, और उसका तना थोड़ा सा कमज़ोर है। इसके साथ ये जो है वो सदाबहार, जिसको लूसन कहते हैं, वो उसका बीज है, और इसके साथ ये राई ग्रास, जिसको प्रोटीन ग्रास भी कहते हैं, वो मौजूद है। तो ये चार जो हैं वो चारा जात हैं जो कि सर्दियों में काश्त करके जानवरों को चारे की कमी से बचाने के साथ साथ उनकी सेहत भी बेहतर की जा सकती है और दूध की पैदावार में इजाफ़ा किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी चारे का बीज चाहिए हो तो नंबर जो है वो हम स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, आप उस पर रابطہ करके पूरे पाकिस्तान में चारे का बीज जो है वो बेहतरीन क्वालिटी का हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी चारे को काश्त करते हैं और आप उसके बारे में कुछ राय देना चाहें कि क्या हमारे पास अगर हम राई ग्रास काश्त करें तो बेहतर है, या फिर हम जो है वो जंबो जवा काश्त करें तो बेहतर है, या फिर हम हाड़ू बरसीम काश्त करें तो बेहतर है, या फिर हम जो है ये लूसन सदाबहार काश्त करें तो बेहतर है, या फिर इनको मिक्स कल्चर करें, जो भी आपकी राय हो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।